असलमकुम आज की वीडियो में हम कॉन्ूशन का एक और सवाल सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट कॉन्शन का वो क्या सवाल बोल रहे हैं कि परफॉर्म दी कॉन््यूशन ऑफ़ द फॉलोइंग सिग्नल्स हमें एक सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ एन एक सिग्नल दिया हुआ है एच ओ फ़ैन ये जो बेसिकली मुझे सिग्नल दिया था इन्होंने वो दिया था प्लाट करके ये वाला सिग्नल और ये भी सिग्नल उन्होंने ऐसे ही प्लाट कर दिया था अगर वो हो सकता है वो आपको प्लाट करके ना दें वो आपको दे दें दे इस फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में तो टेबुलर फॉर्म से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म क्या है मैंने इसको देख के टेबुलर फॉर्म बनाई है कैसे बनाई जीरो के ऊपर ये वन है एम्पलीट्यूड वन के ऊपर वन एम्पलीटूड है टू के ऊपर वन एम्प्लीटूड है थ्री के ऊपर वन एम्प्लीटूड है फोर के ऊपर वन एम्प्लीटूड है इन सब के ऊपर है वन एम्प्लीट तो और ये हैं कितने एक दो तीन चार पाँच पाँच है ना एक दो तीन चार पाँच तो अपने पाँच बार वन एम्प्लीटूड लिख दिया सबको कॉमे से सेपरेट कर दिया और पहले वाले पे ज़ीरो के ऊपर एम्पलीट्यूड बन है तो ज़ीरो कहाँ है पहले वाले पे तो आपने पहले वाले के नीचे पॉइंटर लगा दिया पॉइंटर क्या दिखाता है कि ये वैल्यू ज़ीरो पे है इसी तरीके से मैंने सिग्नल को भी बना दिया ज़ीरो पे वन है ये वन पे वन है और टू पे वन है तो तीन बार वन बना दिया और ज़ीरो के ऊपर मैंने पॉइंटर शो कर दिया तो आपको ये भी दे सकते हैं टेबलर फॉर्म में आप उसको ग्राफ में प्लॉट करके फिर स्टार्ट कर दें काम तरीका हम यूज़ करेंगे यहाँ बाय ग्राफिकल और शिफ्ट एंड स्लैड मेथड शिफ्ट एंड स्लैड को हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं ग्राफिकल मेथड में क्या होगा वैसे ही जैसे हमने कॉन्गलूशन इंटीग्रल में काम किया था एक्स ऑफ टी को हम एक्स ऑफ टॉ में लेके जाते थे और एच ऑफ टी को हम एच ऑफ टॉ में लेके जाते थे यहाँ पे एन है तो हम K में के में लेके जाएंगे एक्स ऑफ एन को एग्जैक्ट कॉपी करा सिग्नल एक्स ऑफ के चला गया एच ऑफ एन था एग्जैक्ट सिग्नल एच ऑफ के में चला गया एक्स ऑफ एन था और एच ऑफ के में आ गया अब एक्स ऑफ के को आप ऐसे ही छोड़ दें एच ऑफ के को आप क्या करेंगे हम वहाँ पे भी हम कॉनल्यूशन इंटीग्रल में भी यही करते थे पहले आप रिवर्स करते थे और फिर आप शिफ्ट दे देते दे दे थे यहाँ पे आप एक्स ऑफ के को रिवर्स करेंगे तो वह जगह एच ऑफ माइनस के फिर शिफ्ट देंगे आप जब उसको ऐसे ये आ गया आपके पास सिग्नल अब आप उसको थोड़ा सा समा लेके जाएंगे आपने के का शिफ्ट दे दिया जीरो के ऊपर जब उसका एम्पलीट्यूड वन था माइनस वन के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड वन था और माइनस टू के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड वन था जब आप उसको के का शिफ्ट देंगे तो ज़ीरो पे जो वैल्यू थी वो चली चलिएगी के पे और जो माइनस टू पर वैल्यू थी वो चलिएगी के माइनस टू पर तो अब जो आपके पास जो सिग्नल बन गया है अब हम क्या करते थे एंड में जाके हम करते थे दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई ये आ गया आपके पास एक्स ऑफ़ के ये आ गया एच ऑफ़ एन माइनस के दोनों सिग्नल्स को जैसे हम कॉन्वल्यूशन इंटीग्रल में मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई ही करेंगे एक दूसरे से बस देखेंगे ओवरलैपिंग कौन से हो रहा है तो पहला केस क्या है इफ़ एन इज़ लेस देन जीरो जब एन लेस देन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो और एन ज़ीरो से छोटा है एन माइनस के था ना तो एन की जगह आप ज़ीरो या उससे कोई छोटी वैल्यू रखेंगे तो वो आएगी यहाँ पे ज़ीरो पे तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली exactly? ज़ीरो नहीं रखें पहले आप रखें पहले एन लेस देन ज़ीरो तो ज़ीरो से पहले वो कहीं होगा पीछे ही ज़ीरो से पहले होगा तो अभी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही ये वाला जो पार्ट है ये है एक्स ऑफ ये है एच ऑफ एन माइनस के और ये वाला जो पार्ट है ये है एक्स ऑफ के कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही बीच में इतनी सारी जगह तो वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू जीरो बिकॉज देर इज़ नो ओवरलैपिंग नो ओवरलैपिंग पॉइंट अच्छा अब जब एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा ना तो ये जो पार्ट है ये के वाला ये चले जाएगा यहाँ पे जैसे ये जो के है आप इन तीनों पॉइंट्स को इतना साइड यहाँ पे लेके कर आएँ इस साइड पर कि वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की हो जाएगा ऐसा ये दोनों सिग्नल जो थे ये दोनों पॉइंट ये यह दोनों यहीं पर है कि यहाँ श्रिंक हो के यहाँ पर आ गया शिफ्ट होके के यहाँ पर आ गया एक पॉइंट ओवरलैप हो रहा है तो आपने लिख दिया वायोफैन इज़ इक्वल टू वन ओनली वन पॉइंट ओवरलैपिंग k माइनस टू था आपने एक का शिफ्ट दिया तो ये चला गया k माइनस वन पे अब अब क्या करें के थ्री में ये था एन एज इक्वल टू तो जीरो के लिए केस टू के थ्री हो जाएगा एन एज इक्वल टू वन के लिए अब आप इसको और यहाँ करें एक बार एक पॉइंट पर और यहाँ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ चला जाएगा ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा ऐसे हो गया k माइनस वन पे था ये k पे आ जाएगा ये जो k पे था ये आ जाएगा ज़ीरो पे और जो ज़ीरो पे था वो आ जाएगा वन पे अब दो पॉइंट ओवरलैप होंगे ये हो रहे हैं दो पॉइंट ओवरलैप कितने पॉइंट हो रहे हैं दो तो आपने ऑफ एन की वैल्यू लिख दी टू अब नेक्स्ट केस इफ एन इज़ इक्वल टू टू अब इसको और यहाँ कर दें तो ये जो आखिरी पॉइंट था ये भी यहाँ पे आ जाएगा और तीन पॉइंट ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे ये हो जाएगा ऐसे तीन पॉइंट ओवरलैप हो रहा है जब तीन पॉइंट ओवरलैप हो रहा है तो वाई एन इज़ इक्वल टू थ्री अब नेक्स्ट केस ये है कि इफ एन इज़ इक्वल टू थ्री अब पहले हो रहे थे ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ओवरलैप हो रहा था अब नेक्स्ट केस पे हमने जब इसको और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो तीसरा पॉइंट जो था वो यहाँ आ गया यहाँ वाला यहाँ आ गया और यहाँ वाला यहाँ आ गया अभी भी तीन पॉइंट ओवरलैप हो रहा है तो आपने फिर उसके आंसर लिख दिया थ्री नेक्स्ट केस क्या है एफ एन इज़ इक्वल टू फोर इसको आप दोबारा और वहाँ कर दें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा अभी भी तीनों ओवरलैप हो रहे हैं ऐसे तो वाई एन की वैल्यू फिर थ्री आ गई के सेवन इफ एन इज़ इक्वल टू फाइव अब ये होगा कि ये वाले जो दो पॉइंट हैं एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप ही होंगे फोर पे जो आपके पास एक्स ऑफ के खड़ा हुआ था वो वहीं पर रहेगा और जो एच ऑफ एन माइनस के स्लाइड होता वा आ रहा है वो वाला पॉइंट अब निकल जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा फ़ाइव पे ऐसे और पीछे के ये जो दो पॉइंट थे ये जो शिफ्ट होंगे राइट एंड साइड पर तो अब ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे ये आ गए अब हो रहे हैं दो पॉइंट की ओवरलैपिंग क्योंकि एच ऑफ़ एन माइनस के का एक पॉइंट आ गया है एक्स ऑफ़ के से बाहर वो आ गया यहाँ पे अब दो पॉइंट बचे दो की ओवर लैपिंग हो रही है नेक्स्ट केस में ये वाला भी बाहर आ जाएगा तो सिर्फ एक की ओवर लैपिंग होगी एन इज़ एकवल टू सिक्स पे और इसके बाद आएगा लास्ट केस जब कोई भी ओवर लैपिंग नहीं होगी यानी कि ये वाला पॉइंट भी उसके आगे आ जाएगा एक ओवर लैपिंग हो रही है यहाँ पे तो वन आ गया अब ये लास्ट केस है एक्स ऑफ फोर तक यहाँ तक एन की वैल्यू फोर तक आपके पास एक्स ऑफ के एग्जिस कर रहा था और फिर अब एच ओ फ माइनस के उससे आगे जा चुके हैं अब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही वाई ओ फैन इज़ इक्ल टू जीरो बिकॉज देर इज़ नो ओवरलैपिंग पॉइंट्स और उसके बाद भी ये केस भी देखें एन ग्रेटर दैन सिक्स एन इज़ इक्ल टू सिक्स नहीं एन ग्रेटर दैन सिक्स उसके बाद कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि ये वाले जो तीन पॉइंट है ये निकल जाएंगे आगे जितना भी आप आगे जाते जाएंगे हो जाएंगे आगे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी आइंदा तो आपके पास ये आपके पास जनरल केस आ गया आगे के लिए सम अप करें सारी चीज़ों को वाई ऑफ एन आपके पास ये बनेगा एन लेस देन जीरो के लिए जीरो था एन इज इक्वल टू जीरो के लिए एक पॉइंट ओवरलैप था एन इज इक्वल टू वन के लिए दो पॉइंट थे एन इज इक्वल टू टू के लिए थ्री थे एन इज इक्वल टू थ्री के लिए भी तीन पॉइंट था एन इज इक्वल टू फोर के लिए भी तीन पॉइंट एन इज़ टू फाइव के लिए दो पॉइंट एन इज़ टू सिक्स के लिए एक पॉइंट ओवर लैप हो रहा था और एन ग्रेटर देन सिक्स के लिए कोई पॉइंट ऑवर्ड नहीं हो रहा ये आपके पास वाई ऑफ एन का आंसर आ गया है आप इसको टेबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं वॉय ऑफ एन इज़ इक्वल टू और ये यहाँ से लिखेंगे यहाँ से क्यों लिखेंगे क्योंकि एन इज़ इक्ल टू ज़ीरो यानी कि पॉइंटर यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे होगा और उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि ये ज़ीरो आप इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो जनरल केस बन जाएगा एन ग्रेटर देन सिक्स क्योंकि एन इज़ इक्ल टू सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व सब के लिए फिर जीरो ही रहेगा आप अपनी टेबलर फॉर्म को कितना आगे तक लेके जाएंगे तो आप अपना आंसर यहाँ तक लेके रखें और ये वाला भी जीरो नहीं आएगा जो नेक्स्ट तरीका है सवाल को सॉल्व करने का वो है बाय कॉन्वोल्यूशन सम अगर मैं आपके क्वेश्चन को प्लॉट करके नहीं दूँ बल्कि टेबुलर फॉर्म में दे दूँ इस फॉर्म में एक्स ऑफ एन ये है और एच ऑफ एन ये है तो आप इस पे कॉन्शन सम करके भी आंसर निकालेंगे और वो आंसर और ग्राफिकल मेथड का आंसर सेम आएगा कॉन्शन सम क्या है बाय ऑफ एन इज़ एक फैन कॉन्शन एन कॉमोलेसन एच ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू समीशन के इज़ इक्वल टू माइनस इनफाइनइट टू ऑफ़ के एन टू एच ऑफ एन माइनस के अगर आप वही पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे कॉनवल्यूशन सम के तो आपके पास यही आंसर निकलेगा आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल स्टेप्स द आंसर विल बी द सेम आई ऑफ एन इज़ इक्वल टू वन टू थ्री 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 टू वन ये वही आंसर है जो कि हमने ग्राफिकल मैथड से निकाला था अच्छा यहाँ पर कुछ लोग सवाल कर रहे होते हैं कि ये आंसर और ग्राफिकल मैथड का सेम नहीं आ रहा क्योंकि ग्राफिकल मेथड में इस वन से पहले ज़ीरो आ रहा होता है और इस वन के बाद ज़ीरो आ रहा होता है वो ये कहते हैं कि आंसर सेम नहीं है भाई बेसिकली कॉन््यूशन का मतलब क्या है कॉन्ूशन का कॉन्सेप्ट ही है कि दो सिग्नल जब ओवरलैप हो रहे हो वो तब आंसर देता है अब ग्राफिकल मेथड में आपने देखा था कि अगर हम ये ज़ीरो पे ये कंडीशन है ज़ीरो का मतलब पॉइंटर है ना ज़ीरो पे ये आंसर दे रहा है एम्पलीट्यूड वन जीरो से पहले का केस कौन सा था जो हमने पहला केस डिस्कस किया था वो था लेस देन ज़ीरो लेस देन ज़ीरो पे तमाम कंडीशंस कवर हो गई जो के कि ज़ीरो से लेस है यानी कि माइनस वन वाली माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस इनफाइनेट तक सब कवर हो गई और सबका आंसर क्या आ रहा था आ रहा था ज़ीरो तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है वो आप उसमें भी ना लिखें भले लेकिन हमने जब वो केस किया है इसलिए हम वापस शो कर रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पे भी इस वन के बाद वो जब दोनों सिग्नल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे थे वो चले गए थे दूर आपस में ओवरलैप करके बाहर आ गए थे अब आगे के तमाम जो केस थे उनमें वो कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे तो फिर हमने एक जनरल केस लिख दिया था इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन सिक्स का यानी कि उस सिक्स के बाद वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे तो इसलिए आगे कॉमर ज़ीरो 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 और वो इनफाइनाइट तक जाता रहेगा क्योंकि कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वो शुरू के और एंड के ज़ीरो लिखने की कोई वजह नहीं बनती आंसर वही है वन टू थ्री 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 टू वन ठीक है अगर आप कॉन्शन सब के भी तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे तब भी आप इसी आंसर पाएंगे तीसरा मेथड ये है आपके पास बाय एनालिटिकल मेथड इसको कुछ लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं बड़ा कॉन्वोल्यूशन होता है आपको डायरेक्ट आंसर चेक करना होता है कि आपका क्या आंसर आ रहा है तो आप एनालिटिकल मेथड कर लें ये मुश्किल से एक मिनट लेता है तो इसको करने का क्या तरीका है आप एक काम करें आप एक ये डब्बा बनाएं हाफ़ हाफ़ रेक्टेंगल बना लें और एक यूँ करके डायगनल सी लाइन निकाल लें इस साइड पे आप एक्स ओ फैन लिख दें और एक साइड पे आप एच ओ फैन लिख दें एक्सो फैन क्या है आपके पास आपके पास था एक्सो फैन वन 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 तो आपने लिख दिया वन 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 जगह दे दे के आप अपना पूरा सिग्नल ऐसे लिख लें एच ओ फेन आपके पास था वन 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 आपने इसको भी ऐसे लिख लिया वन 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 एच ओफन को आपने यूँ लिख लिया एक्स ओ फैन को आपने ऐसे लिख लिया अब अब ज़रूरी नहीं है एक्सो ओ फेन यहाँ आएगा और एच ओ फ यहीं आएगा आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं आप पर एच ओफन यहाँ लिख दें एक्सो फेन यहाँ पर लिख दें ये तीन कॉलम हो जाएंगे और ये पाँच रो हो जाएंगी ऐसे करके अगर आपने यहाँ एक्स ओ फ़ैन कर दिया और एच ओ फ कर दिया कोई मसला नहीं आंसर उससे सेम ही आएगा बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है ये होगा ये जगह भी पूरी खाली होगी यहाँ पे वन 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 वन, वन आ गया यहाँ पर आ गया वन 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 अब करनी है मैं बेसिकली मल्टीप्लीकेशन वन वन जा वन या वन आ गया यहाँ पे क्या आएगा वन वन ज़ा वन वन आ गया फिर आएगा वन वन ज़ा वन वन आ गया फिर आएगा वन वन ज़ा वन फिर आएगा वन वन जन ये पूरी लाइन होगा अब नीचे क्या आएगा फिर ये फिर इन सब से मल्टीप्ला होगा वन वन जन वन वन जन वन वन जा वन ऐसे करके यहाँ पे भी सब में वन आ जाएगा फिर ये वन इन सब से मल्टीप्लाई होकर यहाँ सब में वन ले आएगा ये जब आपके पास एक तरीके से बॉक्स फिल हो जाए फिर आप ये करें कि डाइगनल एडिशन करें डाइग्नल एडिशन के लिए सबसे पहले आपने करनी है डाइगनल लाइन ड्रॉ एक पहले आप लाइन यहाँ बनाए यानी कि यहाँ पर आपके पास आएगा एक एलिमेंट एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा उसके बाद आएंगे दो एलिमेंट फिर एक डाइगनल लाइन बनाए फिर एक आएंगे आपके पास तीन एलिमेंट फिर लाइन बनाया तीन के बाद अब अब आपने यहाँ तक आ गए आपके पास अब फिर दोबारा डाइगनल लाइन बनेगी फिर डाइग्नल लाइन बनेगी डाइग्नल लाइन अब क्या करना है अब ये है चीज़ सही लिखने की आंसर आपके पास बनेगा इस बॉक्स में कितने एलिमेंट्स हैं एक एलिमेंट है वो वन है हमने वन लिख दिया अब या ये जो बॉक्स बन गया आपके पास इसके अंदर दो एलिमेंट हैं और दोनों के दरमियान प्लस लाएगा वन प्लस वन आंसर आपके पास टू आएगा तो वन के बाद आ गया टू अब इसमें इस बॉक्स में, इस में कितने तीन हैं तीनों के दरमियान प्लस कर दें वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो गया थ्री आ गया ये जो है डब्बा है इसके अंदर भी प्लस कर दें वन प्लस वन प्लस वन तीन आ गया इसमें भी इन तीनों को प्लस कर दें तीन आ जाएगा इसमें दोनों को प्लस कर दें दो आ जाएगा इसमें वन को प्लस कर दें वन ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है कोई सा भी कॉन्वल्यूशन हो आपके पास एक्स ओ फैन पता है एच ओ फैन पता है एनालिटिकल मेथड से करें डाइग्नल लाइंस बनाएं ऐड कर दें आपके पास डायरेक्ट कॉन्वल्यूशन का आंसर आ जाएगा अब ये सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन डू इट योर सेल्फ परफॉर्म लीनियर कॉन्शन ऑफ द गिवन सिग्नल्स एक सिग्नल आपके पास एक्सो फैन है ये पॉइंटर वन पे है एक्सो फैन है आपके पास वन टू टू वन एच ओ फैन है आपके पास थ्री टू वन वेयर पॉइंटर इज़ ऑन थ्री और कैसे करना है बायोग्राफिकल मेथड एक बार करें कॉन्शन सबसे एक बार कर लें और एक बार एनालिटिकल मेथड कर लें तीनों से देखें जवाब आपके पास सेम आएगा मैंने आंसर लिख भी दिया है आंसर इसका आएगा थ्री एट एलेवन नाइन फोर वन पॉइंटर थ्री पे होगा